विराट। हाँ। अरे कब से फोन बज रहा है तेरा? रेफ। क्या हुआ? अरे कब से फोन बज रहा है तेरा? किसका है? हाँ ओमिका का बोला। विराट कुठे है? जल्दी से घर आ। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुझे एक जरूरी बात बतानी है, जल्दी आ जा। काका मैच फंसा हुआ है, थोड़ी देर में फोन करूँ? ठीक है बाय। क्या हुआ? अरे ओमी काका का कॉल आया था, जल्दी बुला रहे घर पे। और मैच? इस गोल के बाद ना मैच अपना है, तो बैग पैक कर चल। रेडी। गोलकीपर के अंदर रोनाल्डो की आत्मा कहां से आ गई? बजने ते धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अरे ये क्या है बाबा? ये क्या है? हाँ ये है विराट। आज तुम्हें तुम्हारी पहली पोस्टिंग मिल गई है। यू हैव गॉट योर फर्स्ट पोस्टिंग माय सन। जैन साहब। अरे भैया कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पता है? भाऊ भाऊ ये मोबाइल वाली दुकान कितने बजे खुलेगी? 10:30 बजे। 10:30? 6:58। एक्सक्यूज मी, यस कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? आपका ये पावर बैंक मुझे उधार मिल सकता है? देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा, खूबच अर्जेंट है, एक पूजा करानी है, और यकीन मानिए इस पूजा का आधा पुण्य आपको भी मिलेगा। भाई पावर बैंक कहीं नहीं मिला, सब दुकानें बंद हैं। मैम प्लीज, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। Thank you. चल। सनी, हाँ, आईपैड निकाल। हाँ, ठीक है निकाल दा। जल्दी ला। ये ले। पंडित जी, शुरू करा पूजा। वाह, आला विराट। यार विराट, वो लड़की साक्षात देवी स्वरूप थी, आई और तेरी जबान का मान रख लिया। शुभम करोत कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिशेखिनम कृतिम भूफलचारुवक्षम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि दिग्नेश्वर पार्वती। पूजा में उपस्थित परिवार के सभी सदस्यों का नाम बताइए। जी आपका साक्षात्कार करवाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेक्नोलॉजी जिंदाबाद। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। हर हर महादेव। इनके नक्षत्र तो आपको पता नहीं होंगे। पंडित जी पंडित जी
हमारे विराट को सबके नक्षत्र याद है। ये है मेरी काकू भवानी चव्हाण, रेवती नक्षत्र। वो है मेरे बाबा निनाद चव्हाण, अभिजीत नक्षत्र। माजी आई अश्विनी, भरणी नक्षत्र। माजी बुआ मानसी, अनुराधा नक्षत्र। माजा भाऊ सम्राट, रोहिणी नक्षत्र। वीरू आई वीरू वीरू हाँ, अरे कुछ चल्ला? हाँ मुझे बताया भी नहीं, मुझसे मिलने भी नहीं आया। नहीं मैं तेरे पास ही आ रहा था। सच्ची? आई शपथ, आई शपथ, ताई शपथ। मला सांग की तू काय विसरलास? क्या भूला मैं ताई? काय 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 विसरलास? क्या भूला मैं ताई? ये वीरू अब तो तू पुलिस वाला बन गया ना, तू जल्दी से अपना प्रॉमिस दे। प्रॉमिस हो गया है? क्या प्रॉमिस ताई? मैं नहीं बताऊंगी कि तू मेरे लिए पति ढूंढने जा रहा है ना? देवयानी कोई पति वती नहीं है तेरा, दिमाग खराब हो गया तेरा। आएगा तू देवयानी, देवयानी एक मिनट रुक जा, ये ले तेरे फेवरेट है बेसन के लड्डू, और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही पसंदीदा चीज बना के आई हूँ। क्या तुम्हारी पसंद की है? मीठी है बताओ। चॉकलेट? शीरा? दो। चलो खिलाती हूँ, आ जाओ जल्दी। मेरा प्रॉमिस याद रखना, बाय। आयुष्मान भावा। ठीक है बुआ, चलता हूँ मैं। सॉरी, चलता हूँ नहीं कहते, लौट के आता हूँ कहते। लौट के आता हूँ। नाइस लाइन, डाडा सुट्टो। हाँ, एकदम स्पेशल है। किसने सिखाई? बता। अब अगर लाइन स्पेशल है तो किसी स्पेशल ने सिखाई होगी ना? कल तक और रुक जाता तो सम्राट से भी मिल लेता। बुआ मैं तो रुक जाता लेकिन कल हम सम्राट के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। Really? Really? Yes. मैं तो कहती हूँ उस लड़की से पहले तू मिल ले, अगर तुझे पसंद आ गई ना तो सम्राट को जरूर पसंद आएगी। मस्त मस्त मराठा सिंह डीसीपी नागेश चव्हाण का भतीजा है विराट, वो किसी के लिए भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ेगा। चला उशीर होते। यशस्वी हो, सुखी रहा। ठीक है मैं लौट के आता हूँ। ए रुक रुक, क्या? चलो मैं आ रहा हूँ बाहर तक। आई चला, टाइम वेस्ट ना करूं। ओ काकू सांभाळून जा। ओ काकू खंडोबा राया माझ्या विराटची काळजी घे रे। काय मित्र सर्व ठीक आहे? होय साहेब। तो धीरे उडाव ना अपना एरोप्लेन। ओ साहेब माझे पैसे तरी द्या, मेरे पैसे। ए कुठले पैसे रे? क्या साहब इतनी दूर से आपको लेकर आया, 200 रुपए हुए आप ऐसा कर रहे हो? जाने रे बाबा, बड़े साहब आने वाले, चल निकल यहाँ से, चल। ये वर्दी का रौब ना हम गरीब लोग पर ही निकालते हैं,
एक तो सुबह से बोनी नहीं हुई और ये आज का दिन ही पनौती है। ओ भाऊ, सुबह से बोनी नहीं हुआ और तुम आ गए 200 का छुट्टा मांगने। सारे खाकी वर्दी वाले रौब नहीं झाड़ते हैं, वो साहब जो अंदर के ये उनका पैसा। धन्यवाद सर। ए थोरत, अरे काय रे साहब आने वाला मालूम था ना, लेट क्यों आया? अरे मी आलो ना त्यांच्या अगोदर आलो ना, कुठे आले साहेब? काय रे तू पण यार, कुठे पण ठेवतोत माझा फाईल? या माझ्या टेबलचं कंडिशन बघा कसा ठेवलेलं आहे। काय तुम्ही लोक, काय कामाचे ना हे लोक? ए ए कोण भंगस करतो? ए क्या नाटक आहे? हे नाटक नाही रे, उधार वापस ले रहा है। ये ले। ए एडा आहे का तू? मैं क्या उधार लिया तेरे से? मैं दिया ना तेरी तरफ से रिक्शा वाले को, बस। ए है कौन रे तू? तेरी तो मैं। ए बताता है रे, वही जिसकी वजह से तेरा मूड इतना खराब है। डेस्क पे किसके लिए सेट किया तू? भूल गया? बड़ा साहेब, IPS विराट चव्हाण। जय हिंद सर, जय हिंद सर। और जज्बात दोनों अलग अलग चीजें होती है, वो हमेशा अलग अलग ही रहनी चाहिए। वेलकम सर। इंस्पेक्टर जोशी, एक सस्पेंशन लेटर टाइप करवाइए। पंकज थोरात का। सर गलती हो गई सर, दोबारा नहीं होगी। आज शपथ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। इंस्पेक्टर जोशी लवकर। सर आते ही सस्पेंशन लेटर। जी, इन्होंने खाकी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है, एक गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर का हक मार के। बाय द वे, क्या इस पुलिस स्टेशन में सभी को कानून का मजाक उड़ाने का शौक है? मैं कुछ समझा नहीं सर। अगर आप समझते तो किसी इंसान को अपने जीप के पीछे बांध कर पूरे गढ़चिरौली में दौड़ाते हुए यहाँ नहीं लेकर आते। IPC की किस सेक्शन, किस क्लॉज ने आपको ये करने की इजाजत दी? सर उसने एक गंभीर अपराध किया था और आपने फैसला सुना दिया। आप जज हैं? हमारा काम, हमारा फर्ज है कानून का पालन करना, अपने मन से अपनी मर्जी से कानून बनाना नहीं। याद रहे सर, आपको पूरी बात पता नहीं। जितना पता है उतना काफी है सर। आप बिना वजह जाने, वजह कोई भी हो, कानून तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है, हम पुलिस वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। Is that clear everybody? Yes sir. Yes sir. मेरा क्वार्टर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ नजदीक है। चल अम्मी दाखो तो। आइए सर। यह है आपका क्वार्टर, तुम्हें थोड़ा वे रेस्ट किया। DM सर ने आपके स्वागत पर एक छोटा सा फंक्शन रखा है। DM सर का ऑर्डर है, मैं एक घंटे में आता हूं। कमल सर, एक मिनट। सर आप नहीं जानते आज मैं कितना खुश हूं। एक तो ये मेरी पहली पोस्टिंग है और वो भी इंस्पेक्टर कमल जोशी के साथ, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, इस लायक बनाया। सर
मैं आज वाकई खुश हूं, बहुत खुश। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन में खुश नहीं लग रहे थे आप। क्या सर, आप ही ने मुझे सिखाया कि फर्ज और जज्बात दो अलग अलग चीजें हैं और हमेशा अलग ही रहनी चाहिए। कैसे? नमस्कार विठ्ठल दामोदर माने। एसीपी विराट चव्हाण। अरे जानता मैं आपको चव्हाण साहब, इसीलिए आया ना मैं। किधर है? ए देना ते ले। गढ़चिरौली में आपका मनःपूर्वक स्वागत है। पर मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आज ही आए ना आप, जल्दी पहचान जाएंगे। नाव का संगीतल मेरे को यहाँ कोई नाम से पुकारता नहीं। भाव भाव कहकर पुकार दे मुझे। ये गढ़चिरौली का छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के एमएलए राइस बाबा। अभी सच बोले ना तो पूरा ऐसा गढ़चिरौली पे अपना ही राज है। शक्ल से राजा लगते नहीं लेकिन। गुड जोक। अच्छा मजाक करते हैं एसीपी साहब। राज करने के लिए शक्ल का नहीं, अकल और जिगर का जरूरत है। जगता आप? हाँ। लो, ये बाबा की तरफ से आपको सुप्रीम बेट। ये भाऊ का खास स्टाइल है स्वागत करने का। हाँ मतलब सरकारी स्वागत जैसे नहीं, मतलब गले में हार डाला, चार लाइन का भाषण किया, तालियां बजाया, खत्म, ऐसा नहीं। ये खास आदमी के लिए खास गिफ्ट। डायरेक्ट सही, हमें वापस चलना चाहिए। चलिए यहाँ से। अरे 2 मिनट रुको मौशी, आबा बड़ी तारीफ करते थे ना इस गब्बर की। सच्चा है, बहादुर है, ईमानदार है, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। देखो देखो, क्या बात है, हा? देख रहे हैं ना, जचता है कि ना एसीपी साहब नए फोन के साथ। हाँ एकदम सूट कर रहा है। क्या मस्त लग रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, मेरा लड़का लोग बोल रहा था कि नया एसीपी साहब आया है, लेकिन ऐसा कुछ फालतू फोन लेके घूम रहा है। मैं बोला नहीं, नया साहब के लिए नया फोन। हाँ मस्त है कि नहीं? मस्त है, जबरदस्त है। मैं भी यही फोन खरीदने की सोच रहा था। अरे क्या बात है। फिर मैंने सोचा कि सैलरी कितनी है, 56,000, फोन 1.5 लाख का, मैच नहीं करेगा, इसलिए फिर वही। मतलब अगर भगवान ने हमें अगर कुछ दिया है तो क्या दिया बोलो? पैसा, हमारे पास बहुत पैसा है। मतलब ना ऐसा हमारे घर में ना ऐसा पैसे का पेड़ है। क्या है पेड़? मतलब तुमको अगर पैसा चाहिए ना, फंदी लाने का पैसा आता है, फंदी लाने का पैसा आता है। ले टेंशन मत लो, तुम लो लो एकदम पेड़। अब यार लवेंदे गए। एक मिनट। रुक क्यों गया भीमा, पानी खाला? अरे इनके घर पे तो पेड़ पर पैसा उगता है, क्या पता यहाँ पर मोबाइल फोन भी उग जाए। घाला घाला। ये अपने ठीक नहीं गया साहब। जगताप चल 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 बस।
चला रे, चला चला चला, चल 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 चल। चौहान साहब, ये इंसल्ट याद रहेगा, भूलना भी नहीं चाहिए। पहली बार गलती की है ना, इसलिए माफ कर रहा हूं। अगली बार अगर मुझे रिश्वत देने की सोची भी ना, बहुत भारी पड़ेगा। कल्ला, भारी पड़ेगा। अरे येड़ा, बस गाड़ी चल चल। चला रे चला। धन्यवाद। ब्यूटीफुल, पता नहीं और कितना टाइम रहेगा ये जंगल ब्यूटीफुल। क्यों सर? हर एक दूसरे दिन स्मगलर लोग आते हैं और चंदन शीशों के पेड़ काट के चले जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आने से पहले ये स्मगलर लोग अपना काम करके गायब हो जाते हैं। विठल से इनकी मिली भगत है सर। हाँ, विठल दामोदर माने। सर मैंने सुना है विठल और उसका बेटा जगताप आपको रिश्वत देने आए थे और आपने उन दोनों को उनकी जगह बता दी। जरूरी भी था। ये दोनों बाप बेटों ने पूरे गढ़ चिरोली के नाक में दम कर रखा है। हाँ, ये जगताप वही है ना जो सई को बहुत परेशान करता है? तुम्हारा कैसा कहला? आपकी बेटी मेरे घर आई थी। सही? आपके घर? आपके वीआरएस को लेकर बहुत गुस्से में थी ये लड़की भी ना। सॉरी सर, सही की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। दरअसल गलती सही की नहीं है, वो तो बेचारी डरी हुई है। उस दिन जगताप ने सही से ससुर जी नहीं आएगी, उनका प्रोग्राम मैं फिक्स कर दिया। अभी आप ही बताइए सर, ये ऐसे जानवर को जीप से बांधकर मैं पुलिस स्टेशन ले गया, इसमें मैंने क्या गलत किया? कमल सर, तब मुझे पता नहीं था। इसलिए सही गढ़ चिरोली छोड़कर नागपुर जाना चाहती है मेरे साथ। आप फिक्र मत कीजिए सर, कानून को हाथ में लेने वालों का हाथ तोड़ने के लिए मैंने फोर्स ज्वाइन किया है। आज के बाद वो जगताप सही की तरफ देखेगा भी नहीं। अता समझ लो क्यों मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया है। अरे मेरी हाथ तबीज थी जब मैंने सही को पहली बार देखा। वो क्या कहते लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे को घास नहीं डलती। बाबू आप कोई घोड़े कोई ना हो जो भाभी आपको घास डालेगी। बकवास करता है। टोका एका खोका है, है? अरे बाबू ए घबरे, ये बकवास किया ना, अगली बार से ये बाल की दुकान काट डालेगा मैं। अरे बाबू अब छोड़ा डाला, मूड बनाना भाऊ, मूड बनाओ। अरे बन गया ना मूड, वो देख। अरे मोबाइल मेरी
रे चुमा चुमा दे दे चुमा चुमा दे दे चुमा लिरिक्स लिरिक्स ड्रिंक ड्रिंक एवरी ए तेरे को पीने का नहीं तो तेरे हाथों से पिला देना मैं पिलाऊं अपने हाथ से ये अभी किया तुमने ठीक है नवीन है आपको पता नहीं है मेरे से ऐसी मस्ती ना सस्ती नहीं है बहुत महंगा पड़ेगा साहब आपको परवड़ेगा नहीं हाँ ससुर जी नमस्ते ओ साहेब साहेब आपको यकीन नहीं आता हाँ मेरे ससुर जी है ना इधर हाँ इनसे पूछ लो ना क्या क्या ससुर जी मेरे को ना ऐसा 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 हथकड़ी लगाया हाँ ऐसा जीप के पीछे बांधा और अगा गढ़चिरौली में मेरे को घुमाया क्या हुआ बताया क्या उसके बाद उसके बाद क्या हुआ बता सांग विठल भाऊ ने जोशी साहब को उसका औकात दिखा दिया पुलिस स्टेशन पे डिस्कियाँ डिस्कियाँ करके गोलियां चलाई और जगताप बाबू को पुलिस बैग के साथ अपने घर लेकर गया साहिब ओ साहिब आइक लगा फुल रिस्पेक्ट के साथ हा? क्या किया मेरे बाप ने अखा पुलिस स्टेशन हिला डाला मेरे बाप ने ये आवाज नीचे अरे ऐसा क्यों कर दे हो तुम हा? अरे मैं कौन है होने वाला जमाई है ना तुम्हारा हा? मगर ऐसा नका करू ना अरे ऐसा मत करो क्या है समझाओ इनको करो बोलते है करेक्ट सर समझाना तो पड़ेगा आता नहीं टाइक आज के बाद अगर इनकी बेटी की तरफ या गढ़चिरौली के किसी भी लड़की की तरफ तुम्हें आंख उठा के भी देखा ना तो तेरा ये जमाई बनने का ख्वाब बहुत जल्दी पूरा करूंगा जेल के अंदर डालकर ऐसा आदर सत्कार करूंगा तेरा कि ना उठ पाएगा ना बैठ पाएगा कर लो हिलते रहे चलिए सर